अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा, नवाज शरीफ साहब या बॉलर साहब? देखिए नाम नहीं ले सकते इसलिए हम लोगों ने बॉलर का नाम रख दिया। सीधी करें आप, सीधी ये है जी कि कासिम के अब्बा के साफ सी बात, इस पे भी बैन है ना, क्योंकि अगर उसके ऊपर निशान नहीं होगा ना तो फिर हम लोग खुद लगाएंगे, बनाकर जो है ना तो वहाँ पर निशान लगाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं अगर उन्होंने वोट पे निशान भी ना दिया तो हम लोग खुद बना लगाएंगे, वोट उनका ही है, वोट उनका। क्या वजूहत है उनके? कोई पांच काम ऐसे बताएं जो उन्होंने किए हो, अवाम को रिलीफ दिया हो, अवाम को सहूलियात फराम की। सर देखें, बात आप अवाम के रिलीफ की अगर करते हैं ना, तो रिलीफ तो हमें जो है ना वो 75 सालों में कोई नहीं मिला हुआ। सही बात है, ठीक है। जो हक सच वाली बात जो है ना वो ये है कि आप ये देखें कि हाँ, बहैसियत एक कौम के, नेशन, इंटरनेशनली जो है हम लोग जाने पहचाने जाने शुरू हो गए थे, हमें इंटरनेशनली जो है ना एक रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया था, ऑनर मिलना शुरू हो गया था, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद भी ड्यूरिंग दैट मैंने ट्रैवल किया बाहर, तो वो यही था कि यार आप इमरान खान वाले मुल्क से आए हैं, ये ऑनर है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको जान जो है पासपोर्ट जो है ना देखते थे, मैंने सऊदीया ट्रैवल किया है काफ़ी, पासपोर्ट देखते थे, अरबी में कहते थे वो साइड पे लाइन में जाके लग जाओ, ये होना शुरू हुआ, ठीक है ना। क्यों भी हमारी बेहतर होती थी, ग्रीन पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड मिलनी शुरू हो गई थी। और इंटरनेशनली वैसे भी आप देखेंगे जो नज़र आ रहा है सारा, ठीक है जी, फ्रेंडली, उसको एक ऑनर मिलती थी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, और हमें बहुत सारी जो है ना वो रिलीफ भी मिली। देखिए आपने कहा जी बाहर हमें लोग इज्जत दे रहे थे, ऑनर दे रहे थे, पर हमारे मुल्क में आवाम जो भूखी मर रही है उसका क्या करना था? देखें, भूखी जो मर रही है ना वो भूखी इसलिए मर रही है कि वो जो एक हमारी आवाम है ना, हम ही लोग हैं, खाता है तो लगाता भी है ये भी बात की है जी, तो जो खा रहा है और जितना लगा रहा है वो कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं समझ में आती ये वाली चीज़। आप कहते हैं कि खाना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मुझे। आप सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं, आपके घर में एक मुलाजिम है, ठीक है ना, आप उसको सौदा लेने के लिए भेजते हैं, क्या सौदा लेके आ, 1000 में से उसने 800 रुपये का सौदा लिया और 200 की उसने डंडी मारी है, तो आप क्या कहोगे? कोई नहीं यार, लगाता है तो खाता भी है। अच्छी बात, ठीक है जी ना। आप घर में जो है ना वो चोर मुलाजिम रख नहीं सकते, आप लोगों ने जो है ना वो तो क्या पैगाम है हमारे नाज़रीन के लिए? यार देखिए, मैं सियासी साइड पर रख दें इसको, सियासत को बिल्कुल साइड पर रख दें, बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के, एक कौम होने के, जो हमारा एक राइट है ना, जो हमारे हकूक हैं, हमें बात उसकी करनी चाहिए, हमें, हम पाकिस्तानियों को ना हकूक हमारे पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि नहीं मिल रहे, जो हमें नहीं मिल रहे। आप एक छोटी सी बात एक देख लें कि आप अगर किसी के इशारे पर भी खड़े होते हैं ना, तो वहाँ का जो एक कल्चर है ना, एटमॉस्फेयर जो है, तो वो यही है कि आप ग्रीन सिग्नल पे खड़े रह जाते हैं, ठीक है जी, रेड पे दौड़ पड़ते हैं, और रेड के ऊपर जो ना, ये बेसिकली हक मारना है ना, हाँ जी, ये हक मारना है। तो हमें ना बहैसियत कौम के, हमें जो है वो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि अपने हक के लिए समझें। लड़ने की बात करेंगे तो वो बात कहीं की कहीं चली जाती है। बहुत शुक्रिया, हक समझने चाहिए। 2024 का इलेक्शन जो है वो कासम के अब्बा जी का, या कैदी नंबर 804 कह लें, या सो व्हाटएवर।